हरदोई में जिलाधिकारी पुलकित खरे ने जिला चिकित्सालय एवं निर्माणधीन मेडिकल कॉलेज भवन का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान डीएम को जिला अस्पताल ही बीमार मिला। डीएम ने खामियों पर कड़ी नाराजगी जताई। वहीं निर्माणधीन मेडिकल कॉलेज के भवन को अतिशीघ्र बनाने के निर्देश दिए। डीएम को हेल्प डेस्क रूम में कोई कर्मचारी न मिलने पर नाराजगी व्यक्त की तथा मुख्य चिकित्सा अधीक्षक एके शाके को निर्देश दिए कि हेल्प डेस्क के अनुपस्थित कर्मचारी पर कार्रवाई करें। इसके बाद उन्होंने हृदय वार्ड में ऑक्सीजन मशीन ना चलने पर शाके को निर्देश दिए कि ऑक्सीजन मशीन को तत्काल ठीक करवाएं। दुपहिया एवं चपहिया वाहनों के चिकित्सालय प्रांगण में भारी संख्या में खड़े पाए जाने पर भी जिलाधिकारी मुख्य चिकित्सा अधीक्षक को निर्देश दिए कि भारी वाहनों को प्रांगण में प्रवेश ना दिया जाए और चिकित्सालय के डॉक्टर एवं अन्य स्टाफ के वाहनों के टोकन जारी करें और होम गार्डों को निर्देशित किया जाए कि सिर्फ टोकन वाले ही वाहन प्रांगण में आए तथा बाहरी वाहनों को किसी कीमत पर प्रवेश ना दें तथा आवारा जानवरों को भी चिकित्सालय प्रांगण में आने से रोका जाए। आज मेरे द्वारा औचक रूप से जिला अस्पताल में पुरुष विंग का इंस्पेक्शन करा गया। इसमें खास जोर इस बात पे दिया गया कि मेरे द्वारा जो पूर्व में इंस्पेक्शन करे गए हैं क्या उसमें बताई गई बातों का अनुपालन हो रहा है या नहीं, ये देखते हुए पूर्व के निरीक्षण आख्याओं के साथ इस बार इंस्पेक्शन करा गया। खास तौर पे जो बड़ी कमी सामने आई वो सफाई व्यवस्था को लेकर थी। इस समय संचारी रोग का समय है जब पूरे जनपद में हम लोग सफाई व्यवस्था पे जोर दे रहे हैं और पिछले 2-3 निरीक्षण में हर बार चेतावनी देने के बावजूद नालियों में और वार्ड्स के बाहर पूरे परिसर में सफाई की व्यवस्था में कोई सुधार नहीं हुआ है। जानकारी करने पर पता चला कि हर शिफ्ट में 10 सफाई कर्मी भी लगे हैं पर उसके बावजूद सभी नालियां चोक पाई गई हैं और उनमें मच्छर और भी पाए गए और जिससे कई बीमारियां फैलने की गुंजाइश रहती है। तो उसको देखते हुए है का जो ठेकेदार है जिसको सफाई का ठेका मिला हुआ है तत्काल रूप से उसका ठेका निरस्त करने के यहाँ पे निर्देश दिए गए हैं। साथ ही साथ उसके खिलाफ विधिक कार्रवाई भी करी जाएगी। बाकी जो अन्य निर्देश दिए गए थे काउंटर को लेके, टोकन सिस्टम को लेके है, पार्किंग को लेके, उनके ऊपर कुछ कार्रवाई CMS साहब ने करी है और वो प्रगति में है और उम्मीद कर रहे हैं कि अगले 15 दिनों में CMS साहब को भी निर्देशित कर दिया गया है कि उन सारी चीज़ों को भी पुनः दुरुस्त कर लें। लेकिन सफाई का मुद्दा सबसे अहम मुद्दा है क्योंकि बीमारियाँ उसी कूड़े और उसकी नाली चोक की वजह से फैलती है और उसमें कोई हम गुंजाइश नहीं छोड़ सकते कि 3 निरीक्षण के बाद भी है उसमें कोई सुधार परिलक्षित नहीं। सर ब्लड बैंक में सर क्या कहा गया आपकी तरफ से? ब्लड बैंक में पिछले कई समय से शिकायतें आ रही थी कि वहाँ पे जो स्टाफ है वो शाम के बाद वीडियो भी मुझे जानकारी में आए थे हैं और इस तरह का स्टाफ वहाँ पे गलत व्यवहार वहाँ पे शाम के बाद करता है, उसको लेके एक कड़ी चेतावनी मौखिक रूप से वहाँ पे जो मौजूद स्टाफ है उसको दी गई। साथ ही साथ एक प्रवृत्ति देखी जा रही है कि प्राइवेट संस्थाओं द्वारा बिना किसी परमिशन के ब्लड कैंप्स ऑर्गेनाइज करे जा रहे हैं, तो इसमें हम लोगों को सचेत रहना होगा क्योंकि एक संवेदनशील मामला होता है ब्लड को लेके हैं, जो सिरिंजेस होती हैं वो भी एक संवेदनशील इशू है और इस तरह की परमिशन सिर्फ उन्हीं संस्थाओं के दी जाएं जो प्रशासन से हैं प्रॉपर परमिशन लेते हुए यहाँ पर आए और स्वैच्छिक रूप से यहाँ पे कोई भी आके ब्लड बैंक अगर ब्लड कैंप ऑर्गेनाइज करना चाहता है तो उसको एक प्रॉपर परमिशन लेना होगा। यही बात निर्देशित करी गई ब्लड बैंक के स्टाफ को। मैं गुरु नानक राइस मिल तरावड़ी से मलकीत सिंह सभी प्रदेशवासियों को दिवाली और गुरु नानक देव जी के जन्मदिन की शुभकामनाएं देता हूं। श्री गुरु नानक देव जी और लक्ष्मी जी की आप सभी पर कृपा बनी रहे। तरावड़ी राइस मिलर्स एंड डीलर एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट तथा गुरु नानक राइस मिल के चेयरमैन सरदार मलकीत इंद्र सिंह कम्बोज की ओर से सभी देशवासियों और तरावड़ी नगर वासियों को धनतेरस, गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व के साथ साथ आप सभी को शुभ दीपावली एवं भैया दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। गुरु नानक राइस मिल गांव चोपे तरावड़ी जिला करनाल हरियाणा। संपर्क सूत्र 9896767700 7082093700 9468227222 7027551000 9050110009 JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace, Rajgharana and the finest banquet hall, Jyoti Garden.
world-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।